नमस्कार, आप देख रहे हैं मोबाइल न्यूज 24 और मैं हूँ रूबी नेगी। और वक्त हो चुका है गवर्नमेंट जॉब और वैकेंसी से संबंधित खबरों का। जी हाँ, अगर आप सरकारी नौकरी की तलाश में हैं तो इस खबर को अंत तक जरूर देखें, क्योंकि यहाँ रोजाना आपको 10 अलग अलग विभाग सरकारी नौकरी की वैकेंसी के बारे में बताया जाता है। तो चलिए शुरू करते हैं। जी हाँ, सबसे पहली वैकेंसी है NLC इंडिया लिमिटेड में। यहाँ पदों की संख्या 170 है। पद का नाम है अप्रेंटिस। आवेदन के लिए अंतिम तारीख है 31 दिसंबर 2019। आवश्यक योग्यता है उम्मीदवारों के पास स्टेट काउंसिल या राज्य सरकार द्वारा स्थापित बोर्ड ऑफ टेक्निकल एजुकेशन द्वारा मान्यता प्राप्त संस्थान से इंजीनियरिंग या टेक्नोलॉजी में डिप्लोमा होना चाहिए। आवेदक की आयु 23 से 35 होनी चाहिए। मासिक आय नोटिफिकेशन के अनुसार रहेगा। वेतनमान 35,000 से 40,540 रहेगा। योग्य उम्मीदवार आवेदन के लिए www.nlcindia.com पर जाकर ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं। इसके अलावा आप भारतीय जीवन बीमा निगम में भी अप्लाई कर सकते हैं। यहां पदों की संख्या 569 है। पद का नाम है अप्रेंटिस डेवलपमेंट ऑफिसर। आवेदन के लिए अंतिम तारीख है 16 जनवरी 2019। आवेदक की आयु 21 से 35 होनी चाहिए। आवश्यक योग्यता है उम्मीदवार को किसी भी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय या संस्थान से बैचलर्स डिग्री या इंश्योरेंस इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया मुंबई से फेलोशिप होना चाहिए। मासिक आय नोटिफिकेशन के अनुसार रहेगा। वेतनमान 38,000 प्लस अन्य भत्ते रहेंगे। योग्य उम्मीदवार आवेदन के लिए www.licindia.in पर जाकर ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं। जी हाँ, अगर आपको यह नौकरी भी पसंद नहीं है तो आप कर्मचारी भविष्य निधि संगठन ज्वाइन कीजिए। यहाँ पदों की संख्या 180 है। पद का नाम है हेल्पर। आवेदन के लिए अंतिम तारीख है 12 जनवरी 2019। आवेदक की आयु 23 से 50 होनी चाहिए। आवश्यक योग्यता है उम्मीदवार को किसी भी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से बैचलर्स डिग्री होनी चाहिए। पे स्केल 44,650 रहेगा। योग्य उम्मीदवार आवेदन के लिए www.epfindia.gov.in पर जाकर ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं। जी हाँ, अगर आपको यह नौकरी भी पसंद नहीं आई है तो आप इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ एस्ट्रोफिजिक्स ज्वाइन कीजिए। यहाँ पदों की संख्या 100 है। पद का नाम है JRF। आवेदन के लिए अंतिम तारीख है 31 दिसंबर 2019। आवश्यक योग्यता है उम्मीदवार को MSc BTech डिग्री होनी चाहिए। आवेदक की आयु 21 से 35 होनी चाहिए। पे स्केल 55,000 रुपये रहेगा। योग्य उम्मीदवार आवेदन के लिए www.iiap.res.in पर जाकर विजिट कर सकते हैं। जी हाँ, इसके अलावा आप राजस्थान पुलिस में भी अप्लाई कर सकते हैं। यहाँ पदों की संख्या 3,000 है। पद का नाम है हेड कांस्टेबल। आवेदन के लिए अंतिम तारीख है 20 जनवरी 2019। आवश्यक योग्यता है उम्मीदवार को 12वीं पास होना चाहिए। आवेदक की आयु 18 से 28 होनी चाहिए। पे स्केल 26,900 से 40,000 रुपये रहेगा। योग्य उम्मीदवार आवेदन के लिए www.policeRajasthan.gov.in पर जाकर आवेदन कर सकते हैं। जी हाँ, अगर आपको यह नौकरी भी पसंद नहीं है तो घबराइए मत, क्योंकि अगली वैकेंसी है मदुरई कामाराज यूनिवर्सिटी में। यहाँ पदों की संख्या 15 है। पद का नाम है गेस्ट फैकल्टी। आवेदन के लिए अंतिम तारीख है 28 दिसंबर 2019। आवश्यक योग्यता है उम्मीदवार को BCom, MBA, MCom पास होना चाहिए। आवेदक की आयु 21 से 28 होनी चाहिए। पे स्केल 45,600 से 54,100 रुपये रहेगा। योग्य उम्मीदवार आवेदन के लिए www.mkuniversity.ac.in पर जाकर ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं। इसके अलावा आप मुंबई मेट्रो रेल कॉरपोरेशन लिमिटेड भी ज्वाइन कर सकते हैं। यहाँ पदों की संख्या 1 है। पद का नाम है डिप्टी जनरल मैनेजर। आवेदन के लिए अंतिम तारीख है 28 दिसंबर 2019। आवश्यक योग्यता है उम्मीदवार को किसी भी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से BE BTech सिविल इंजीनियरिंग में डिग्री होनी चाहिए। आवेदक की आयु 25 से 40 होनी चाहिए। मासिक आय 63,000 से 65,540 रहेगा। योग्य उम्मीदवार आवेदन के लिए www.mmrcl.com पर जाकर आवेदन कर सकते हैं। इसके अलावा आप राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन भी ज्वाइन कर सकते हैं। यहाँ पदों की संख्या 78 है। पद का नाम है असिस्टेंट नर्स मिडवाइफरी। आवेदन के लिए अंतिम तारीख है 30 दिसंबर 2019। आवेदक की आयु 21 से 35 होनी चाहिए। आवश्यक योग्यता है उम्मीदवार को 12वीं उत्तीर्णीय और ANM में प्रमाण पत्र होना चाहिए। मासिक आय 30,000 प्लस अन्य भत्ते रहेंगे। योग्य उम्मीदवार आवेदन के लिए www.nhmmp.gov.in पर जाकर आवेदन कर सकते हैं। जी हाँ, इसके अलावा अगली बड़ी वैकेंसी है इंडियन पोस्ट में। यहाँ पदों की संख्या 300 है। पद का नाम है ग्रामीण डाक सेवक।
आवेदन के लिए अंतिम तारीख है 31 दिसंबर 2019। आवेदक की आयु 18 से 28 होनी चाहिए। आवश्यक योग्यता है उम्मीदवार को 10वीं पास होना चाहिए। आवेदन करने के लिए आप www.indiapost.gov.in पर जाकर आवेदन कर सकते हैं। जी हाँ, और आज की आखिरी बम्पर वैकेंसी है HDFC बैंक में। यहाँ पदों की संख्या 30 है। पद का नाम है ऑफिस स्टाफ। आवेदन करने के लिए अंतिम तारीख है 29 दिसंबर 2019। आवश्यक योग्यता है उम्मीदवार को ग्रेजुएट होना चाहिए। आवेदक की आयु 21 से 35 होनी चाहिए। पे स्केल 30,000 से 45,000 रुपए रहेगा। योग्य उम्मीदवार आवेदन के लिए www.hdfcbank.com पर जाकर आवेदन कर सकते हैं। जी हाँ, उपरोक्त सभी वैकेंसीज का ऑनलाइन फॉर्म भरते वक्त आप इस बात का जरूर ध्यान रखिए कि आपके डॉक्यूमेंट में जो विवरण लिखा हुआ है आप वही भरिए, अन्यथा आपका फॉर्म एक्सेप्ट नहीं किया जाएगा।